जय हिंद दोस्तों। यूपी में निकली सहायक डाटा एंट्री ऑपरेटर, जो हर ग्राम पंचायत में वैकेंसी निकली हुई है, उसकी पूरी जानकारी और फार्म कैसे भरना है, ऑफलाइन भरना है या ऑनलाइन भरना है, मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। मैं हूं श्याम सुंदर, आपका स्वागत है हमारे चैनल टेक SSRA में। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है, यहाँ इस वेबसाइट पर पहुँचने के लिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ पर आप डायरेक्ट आ सकते हैं। ये फॉर्म देखिए, बोले उत्तर प्रदेश पंचायत राज डिपार्टमेंट आर इनवाइटेड टू ऑफलाइन एप्लीकेशन। तो मैं आपको बता दूँ कि ये फॉर्म ऑफलाइन भरा जाएगा, इस फॉर्म के लिए ऑनलाइन भरना नहीं है, ये फॉर्म ऑफलाइन भरा जाएगा। कैसे भरना है मैं आपको वीडियो में बताऊँगा। अभी यहाँ लिखा है कि पोस्ट ऑफ पंचायत सहायक कम अकाउंटेंट डाटा एंट्री ऑपरेटर, ये पोस्ट है अकाउंटेंट डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए वैकेंसी निकली हुई है। ये जो वैकेंसी निकली है यह 2 अगस्त 2021 को वैकेंसी आई है, अभी हाल ही में जल्दी ही आई है, 2 अगस्त 2021 की वैकेंसी आई। इसका लास्ट डेट है फॉर्म भरने का, वह 17 अगस्त 2021। इसका कोई पेपर नहीं होगा, इसका इंटर बेसिस पे आपके मार्कशीट के अनुसार, आपके मार्क के अनुसार इसका मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा। इसका मेरिट लिस्ट 24 से 31 अगस्त तक आ जाएगा। इसके लिए कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं देना होगा आपको। इसके लिए जो आपकी एज होनी चाहिए वो आपके 18 साल से 40 साल के बीच में होना चाहिए, और इसमें कुछ रिलैक्सेशन भी है, मैं आपको वीडियो में बताऊंगा कि क्या क्या उसके लिए आरक्षण भी दिए गए हैं। इसका आपका एज 18 से 40 के बीच में होना ही चाहिए। इसका जो पोस्ट नेम है यह पंचायत सहायक कम डाटा एंट्री ऑपरेटर DEO। टोटल जो पोस्ट आया हुआ है 58,189 पोस्ट, बहुत सारी पोस्टें आई हैं, तो आप इसको फॉर्म जरूर भरिएगा। एलिजिबिलिटी जो है इसकी, आपको जहाँ से फार्म आप भर रहे हैं, जिस ग्राम पंचायत से आप भर रहे हैं, उस ग्राम पंचायत के आप रहने वाले हों, और आपको इंटर पास होना ज़रूरी है। आप जिस गांव के हैं, जो ग्राम पंचायत आपका है, वहां से आप फार्म भर रहे हैं, तो वहीं के ही होने चाहिए, तभी आप फार्म को भर सकते हैं। चलिए आपकी फुल डिटेल, आपको पूरा पूरा डिटेल बताता हूं। तो यहां डाउनलोड नोटिफिकेशन जो मैं आपको वेबसाइट दूंगा, वहाँ लिंक दूंगा, वहाँ से आप डायरेक्ट यहाँ से आ सकते हैं। डाउनलोड नोटिफिकेशन में क्लिक करता हूँ और यहाँ पर एक नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा। अब मैं बताता हूँ कि इसमें क्या क्या बताया गया है, कि मतलब कैसे वैकेंसी आपको चुना जाएगा, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। उत्तर प्रदेश में 58,189 ग्राम पंचायत है, यानी कि 58,189 वैकेंसी निकली हुई है, अर्थात कि एक ग्राम पंचायत में एक वैकेंसी निकली हुई है, यानी कि एक ग्राम पंचायत में एक ऑपरेटर को रखा जाएगा। इसमें लिखा है कि उपरोक्तानुसार लगभग 1.75 लाख की धनराशि कार्यालय की साज सज्जा एवं कंप्यूटर आदि के लिए अनुमेय है, यानी कि जिस रूम में कंप्यूटर को रखा जाएगा, और कंप्यूटर लेने के लिए 1.75 लाख रुपए दिए गए हैं। और यह भी बताया जा रहा है कि जन सेवा केंद्र की भी स्थापना की जाएगी, CSC यानी कि कॉमन सर्विस सेंटर की भी स्थापना की जाएगी। यहाँ पर लिखा है ग्राम सचिवालय में जन सेवा केंद्र की स्थापना की जाएगी। इसकी क्या क्या चयन प्रक्रिया होनी चाहिए डाटा एंट्री ऑपरेटर की, क्या क्या मतलब कि कैसे आपको सेलेक्ट किया जाएगा, उसमें बताया गया है कि पंचायत सहायक डाटा कम एंट्री ऑपरेटर की नियुक्ति के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित करने की सूचना ग्राम पंचायत के प्रधान द्वारा जारी की जाएगी, यानी कि आपके ग्राम प्रधान जो होंगे वो आपको सूचना देंगे कि यह एक वैकेंसी निकली हुई है, आपके पूरे गांव में वो बताएंगे, और उनके पास भी आप फार्म जमा कर सकते हैं, और भी फार्म जमा कर सकते हैं। मैं आपको वीडियो में बताऊँगा कहाँ कहाँ आप अपना फार्म भर के जमा कर सकते हैं। ये ऑफलाइन प्रक्रिया है, और इसके लिए आपको आय प्रमाण पत्र होना चाहिए, जात प्रमाण पत्र आपके होना चाहिए, आपको देखिए आपके पास डॉक्यूमेंट होने चाहिए। इसके में लिखा है कि ग्राम पंचायत की प्रशासनिक समिति हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट, यानी कि इसके जो सिलेक्शन प्रक्रिया है, यानी कि आपको सेलेक्ट कैसे किया जाएगा, तो ये आपके इंटरमीडिएट में जैसे आपके मार्क होंगे, जैसे कि अगर आपका मार्क ज़्यादा है तो आपके मार्क के अनुसार आपको सेलेक्ट किया जाएगा। जैसे कि किसी का 80 नंबर है, किसी का 70 नंबर, तो ऐसे लिखा जाएगा सबसे पहले किसका होगा, जिसका ज़्यादा नंबर होगा, उसके बाद में उसका नाम, जिसका कम नंबर होगा, ऐसे सेलेक्ट किया जाएगा। जिसका सबसे ज़्यादा नंबर होगा इंटरमीडिएट में, उसे के ही सेलेक्ट किया जाएगा। अगर वो नहीं चाहता है सिलेक्शन होना, तो फिर उसके नीचे वाले को अवसर दिया जाएगा। अगर वो भी नहीं चाहता, उसके नीचे वाले को अवसर दिया जाएगा। अर्थात कि जिसकी सबसे ज़्यादा परसेंटेज यानी कि मार्क होंगे इंटरमीडिएट में, उसे ही सेलेक्ट किया जाए। बताया जा रहा है कि इसको एक साल के लिए संविदा पर रखा जाएगा, अगर वो अच्छा काम करता है तो उसको नेक्स्ट साल भी अवसर दिया जाएगा। इसके में इसकी जो एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, क्या क्या होना चाहिए, देखिए यहाँ पर लिखा है कि एलिजिबिलिटी जो है, तो आपको इंटरमीडिएट पास होना चाहिए, जैसे कि मैंने पहले बताया कि आपका उम्र 18 से 40 साल के बीच में होना चाहिए। और इसमें लिखा है कि अगर अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का है तो उसे 5 साल की छूट दी जाएगी, यानी कि 18 से 45 वर्ष के बीच में हो तो वो जा सकता है।
उसको जहाँ से वो भार मतलब फार्म भर रहा है वो ग्राम पंचायत का निवासी होना चाहिए। देख लेते हैं इसमें आरक्षण क्या क्या दिया गया है। तो इसमें आरक्षण दिया गया है कि अगर आपका ग्राम प्रधान अनुसूचित जाति का है तो ऑपरेटर को अनुसूचित जाति के नियुक्त होने की आरक्षण दिया गया है। अगर आपका ग्राम प्रधान अनुसूचित जनजाति का है तो आपका ऑपरेटर अनुसूचित जनजाति का नियुक्त किया जाएगा। अगर आपका ग्राम प्रधान पिछड़ी वर्ग का होगा यानी पिछड़ी जाति का होगा तो पिछड़ी जाति का ऑपरेटर नियुक्त किया जाएगा। ऐसे इसमें देखिए लिखा है कि अगर आपका ग्राम प्रधान महिला होगी तो महिला को नियुक्त किया जाएगा। अगर ग्राम प्रधान आपका अनुसूचित जनजाति महिला होगी तो अनुसूचित जनजाति महिला को नियुक्त किया जाएगा। अगर पिछड़ी वर्ग की महिला प्रधान होगी तो पिछड़ी वर्ग का महिला का नियुक्त किया जाएगा। दूसरा आरक्षण ये है कि अगर आपके घर में किसी की COVID-19 से कोरोना से किसी की मृत्यु हो गई है तो उसको भी आरक्षण दिया जाएगा। यहाँ पर लिखा है कि अगर आपको COVID-19 हो गया और 30 दिन के अंदर उसकी मृत्यु हो गई तो उसे भी आरक्षण दिया जाएगा। इसके जो मानदेय है शैली कह सकते हैं, जैसे कि मैं बताया कि संविदा पर अपनी सेवाएं ग्राम पंचायत को उपलब्ध कराने वाले पंचायत डाटा एंट्री ऑपरेटर को ग्राम पंचायत द्वारा उसकी सेवाओं के लिए बदले में 6,000 रुपये प्रति माह का भुगतान किया जाएगा। उक्त धनराशि का भुगतान ग्राम पंचायत द्वारा वित्त आयोग की धनराशि ग्राम निधि या अन्य, मतलब कहने का मतलब ये है कि आपकी जो सैलरी आपका जो मानदेय होगा वो होगा 6,000 पर मंथ, यानी कि आपको 6,000 पर महीने दिया जाएगा। आपको अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आपको 2 महीने के लिए आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा। इसके बाद यह, इसके बाद में आपको एक फार्म भरना होगा, वो फार्म में बताऊंगा अभी आपको कैसे कैसे भरना है। तो आपको डॉक्यूमेंट जो जमा करना है तो आपको इंटर का मार्कशीट, हाई स्कूल का मार्कशीट, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, यानी आपके पास जितने डॉक्यूमेंट होंगे इसके अंदर अगर आप सिलेक्शन होते हैं तो आपको क्या क्या दिया जाएगा। आपको एक लैपटॉप दिया जाएगा यानी डेस्कटॉप दिया जाएगा, प्रिंटर दिया जाएगा, लेजर प्रिंटर दिया जाएगा। आप नोटिफिकेशन देख सकते हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं पूरे नोटिफिकेशन, आप पढ़ लेंगे क्या क्या आपको दिया जा रहा है और क्या क्या है। देखिए मैं बताता हूँ फार्म आपको कैसे भरना है। देखिए फार्म है आपका, इस पर लिखा, देखिए यहाँ पर फार्म पे, यहाँ पर लिखा है sarkarirezult.com। तो इस फार्म पे आपको नहीं भरना है, आपको प्लेन जो फार्म होगा यानी जो sarkarirezult.com नहीं लिखा होगा उसी पे फार्म भरना होगा। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसको डाउनलोड करने का दे दूंगा, यानी कि मेरा जो टेलीग्राम चैनल है उसको आप ज्वाइन कर लेंगे, उसमें आपको ये PDF मिल जाएगा जो फार्म आपको भरना है। या आप वेबसाइट पर आएंगे, यहाँ पर डाउनलोड फार्म जो क्लिक हेयर है इस पर क्लिक करेंगे और आपको डाउनलोड फार्म हो जाएगा। या आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से भी आपको ये फार्म मिल जाएंगे आसानी से। तो चलिए बताता हूँ कि आपको फार्म में क्या क्या भरने हैं। तो यहाँ पर लिखा है कि स्पष्ट फ़ोटो चिपकाएं, यहाँ पर आपको अपना एक रिसेंट फ़ोटो, यहाँ पर आपको एक अपना फ़ोटो चिपकाना है। इसके बाद में यहाँ पर आपको देखिए यहाँ पर लिखा है कि आप आवेदक का नाम, यहाँ पर आपको हिंदी में सुनहरे अक्षरों में यानी कि अच्छे अक्षरों नाम आपको पता होना चाहिए, हिंदी में ही लिखना है आपका आवेदक का नाम यहाँ होना चाहिए। यहाँ माता और पिता का नाम यहाँ पर लिखा होना चाहिए। यहाँ पर आपके हाई स्कूल के अनुसार यहाँ पर आपकी जन्मतिथि होनी चाहिए, आपके हाई स्कूल में जो डेट ऑफ बर्थ है वही डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। इसके बाद में यहाँ पर है आयु लिखा है, यानी कि आपको निकाल आयु आपका कैलकुलेट कर लेना है कि 1 जुलाई 2021 से आप जब जन्म लिए थे तो कितने साल के आप हो गए। तो यहाँ पर आपको लिखना है आपका कितने वर्ष का हो गए हैं, कितने महीने का हो गए हैं आप, कितने दिन का हो गए। जैसे अगर आप 20 वर्ष के हो गए तो 20 लिखेंगे इस कालम में, 4 महीने के हो गए 4 लिखेंगे, 5 दिन के हो गए तो यहाँ पर कालम में 5 दिन लिखेंगे। इसके बाद में यहाँ लिखा है जेंडर, जेंडर मतलब कि आप कौन सा लिंग है आपका, महिला है या पुरुष है या अन्य कोई, तो यहाँ पर लिख देंगे महिला या पुरुष। यहाँ पर श्रेणी क्या है आपकी, जाति कौन सा है आपका, अनुसूचित जनजाति के हैं, जात के हैं कि जैसे कि आप पिछड़ी जात के हैं तो यहाँ पर लिखेंगे पिछड़ी जात, अगर आप सामान्य जात के हैं तो यहाँ पर सामान्य लिखेंगे, अगर अनुसूचित जात के हैं तो अनुसूचित। यहाँ पर आपको अपना एक मोबाइल नंबर लिखना है, देखिए यहाँ पर लिखा मोबाइल नंबर यहाँ पर लिखेंगे। इसके बाद यहाँ लिखा कि आपकी योग्यता क्या क्या है, उच्चतम यहाँ पर आपको परीक्षा का नाम यानी कि यहाँ पर हाई स्कूल यहाँ पर लिखना है आपको, परीक्षा का नाम हाई स्कूल, परीक्षा उत्तीर्ण होने का वर्ष यानी आपने हाई स्कूल कब पास किया यहाँ पर लिखेंगे। जैसे कि किसी ने पास किया 2015 में तो मैंने 2015 यहाँ पर लिखेंगे। आपका हाई स्कूल पास किया वो बोर्ड कौन सा था, तो यहाँ पर लिख देंगे यूपी बोर्ड, कौन सा बोर्ड था आपका, यूपी बोर्ड लिख देंगे। इसके बाद में आप जब आपने 10th किया था, 10 पास किया था, कौन कौन सब्जेक्ट आपके थे, यहाँ पर आपको सब्जेक्ट लिख लें जैसे मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, सोशल आर्ट, जो भी आपको सोशल साइंस, साइंस सब आपको लिख देना। श्रेणी कौन सा था, आपने फर्स्ट डिवीजन से पास किया या सेकंड डिवीजन से, आपके परसेंटेज कितने थे, परसेंटेज लिख देंगे। अगर यहाँ इसके बाद में यहाँ पर आपको इंटर का भरना है तो इंटर परीक्षा का नाम क्या होगा, यहाँ पर आप इंटर लिख देंगे। परीक्षा उत्तीर्ण होने का वर्ष 2017 जैसे भी आप पास किए होंगे,
कौन से बोर्ड से पास किए, यूपी बोर्ड से, कौन कौन सब्जेक्ट था, यहाँ पर आपको अपना सब्जेक्ट भर देना, जैसे मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, हिंदी, जो जो सब्जेक्ट आपको रहेंगे यहाँ पर आपको लिख देना है। आपने पास किया, किस श्रेणी से पास किया, फर्स्ट श्रेणी, सेकंड श्रेणी या थर्ड श्रेणी से पास किया, यहाँ पर आपको लिख देने हैं। आपने किस परसेंटेज, कौन सा था आपका, यहाँ पर आपको परसेंटेज लिख देना है। इसके बाद में अगर आपने और भी कोई पास किया है परीक्षा, तो यहाँ पर परीक्षा को आप लिख देंगे, जैसे कि अगर बीए किया है, बीएससी किया है, तो यहाँ पर सेम तरह भर देंगे। इसके अंदर लिखा है कार्यालय का अनुभव क्या है। अगर आपको कभी आपने ग्राम पंचायत में काम किया है तो एक साल का अनुभव एक्सपीरियंस है, दो साल का एक्सपीरियंस, तो यहाँ पर आपको एक्सपीरियंस भर देना है कि मुझे एक साल का एक्सपीरियंस या दो साल का। यहाँ पर लिखा है कोविड 19 से मृत व्यक्ति के परिसान के रूप में आवेदन किया जा रहा है, यानी कि अगर आपके घर में कोई कोविड 19 से मृत्यु हुई है तो यहाँ पर हाँ करेंगे, अगर नहीं मृत्यु हुई है तो यहाँ पर ना करेंगे, नहीं करेंगे, यहाँ पर आपको फॉर्म भर देना। इसके यहाँ लिखा है कि आवेदन के हस्ताक्षर, यहाँ पर आपको अपना यहाँ पर हस्ताक्षर भर देना है, हस्ताक्षर कर देना है, किस डेट को आपने हस्ताक्षर किया यहाँ पर आपको लिख देना है। और इस फॉर्म को आप कहाँ जमा करना है, मैं आपको बताता हूँ कि इस फॉर्म को आप कहाँ कहाँ जमा कर सकते हो। इसे भी अगर बहुत डिटेल आपको जानना है तो आप अपने ग्राम प्रधान से मतलब कि बात कर सकते हैं कि वो उसके बारे में आपको ज़्यादा बता सकते हैं कि आपको कहाँ कहाँ कौन चीज़ें कहाँ जमा करनी है। देखिए यहाँ पर लिखा है जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय में जमा कर सकते हैं इस फॉर्म को, विकास खंड कार्यालय में जमा कर सकते हैं इस फॉर्म को, ग्राम पंचायत कार्यालय में आवेदन पत्र जमा करने की अवधि है। देखिए यहाँ पर अवधि दिया है 2 अगस्त से 17 अगस्त के बीच में ही फॉर्म आपका एक्सेप्ट किया जाएगा, उसके बाद एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। मैं तो कहता हूँ कि आप पहले अपने ग्राम प्रधान से बात कीजिए, हो सकता है कि उनके पास भी ये फॉर्म जमा किया जा रहा हो। इसका जो रिजल्ट आ जाएगा, यानी आपके इंटर के अनुसार जो अपने मार्क लाए उसके अनुसार आपका 24-31 अगस्त के बीच में आपका रिजल्ट आ जाएगा कि कौन सेलेक्ट किया गया कौन नहीं। अगर आप इसके बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो और आप चाहते हैं कि आपके पास ऐसे वीडियो सबसे पहले पहुंचे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। और अगर आप नोटिफिकेशन और फॉर्म डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसका तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे, उसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।